Hi all Max users, in this video tutorial I will show you how to make bump, displace, opacity and self illuminated material. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके render setup में vray advanced setup होना चाहिए. उसके बाद आप चले जाइए material editor slot में. material editor पे आइए, slot लीजिए blank slot. चारों मटेरियल कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे. किसी भी एक ब्लैंक स्लॉट को लेके उसको स्टैंडर्ड से आप कन्वर्ट कर दीजिए वीरे एमटीएल में. वीरे एमटीएल में कन्वर्ट होते ही साथ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेल्फ इल्यूमिनेशन. जिस कलर में इल्यूमिनेशन करवाना है या लाइट आपको जिस कलर में चाहिए वो कलर आप ले लें. यहाँ से मैं यहाँ पर येलो ले लिया. अगर इस कलर का शेड आपको बदलना है तो आपको जाना है डिफ्यूज़ में और डार्क एंड लाइट कर सकते हैं येलो का. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप लाइट करते तो यहाँ पे थोड़ा ब्राइट होता है कलर और अगर आप डार्क करते हैं तो डार्क होता है. तो मैं डार्क करके ओके कर रहा हूँ. डार्क करके ओके करके मैं इसको असाइन कर दे रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे और फिर इसका रेंडर करके देखते हैं. सेल्फ इल्यूमिनेशन के आगे एक GI ऑप्शन होता है और उसका मल्टीप्लायर होता है. ये GI ऑप्शन चालू होना चाहिए आपके रेंडर सेटअप में भी, ठीक है. और इल्यूमिनेट कितना थ्रो करना है उसके लिए आप मल्टीप्लायर इंक्रीज़ कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे मटेरियल अपना बन चुका है तो यहाँ पे ये चालू करके रखिएगा ज़रूर. ये यहाँ पे GI होता है, ये जब तक चालू नहीं रहेगा तब तक ये काम नहीं करेगा. तो इंश्योर रहे कि इसको चालू करना है, यहाँ पे भी चालू हो और मल्टीप्लायर बढ़ाएंगे. और यहाँ पे आप लो रखिएगा ताकि आपका रेंडर सेटअप जल्दी काम करे, रेंडरिंग जल्दी हो जाए, ठीक है. उसके बाद किसी और ऑब्जेक्ट में कोई अगर पार्ट में आप इल्यूमिनेशन चाहते हैं और ऊपर नीचे कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो मल्टी सब मटेरियल से बनता है. तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मल्टी सब मटेरियल कैसे बनता है. पहले तो आप ऑब्जेक्ट में ID डाल दीजिए. अगर आपको ID नहीं पता तो देख लीजिए. कन्वर्ट एडिटेबल पॉली करने के बाद पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करके सेट ID 1 कर दीजिए. फिर पॉलीगन में जाइए और जिस पार्ट में आपको इल्यूमिनेशन पोर्शन चाहिए उसको सिलेक्ट करके ID 2 कर दीजिए. सिलेक्शन फुल विंडो रहना चाहिए, क्रॉस विंडो नहीं. जितने एरिया को आपको इल्यूमिनेशन करना है वो हिस्सा पकड़ के उसका नाम या ID जो है आप 2 कर दीजिए. ये आपको ऑब्जेक्ट पे करना है. उसके बाद आप मटेरियल एडिटर स्लॉट में जाके, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट रेडी हो गया. मटेरियल एडिटर स्लॉट में जाएंगे और वहाँ पे आप चूज़ करेंगे स्टैंडर्ड स्विच में जाके मल्टी ऑब्लिक सब मटेरियल. यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको लेंगे, डिस्कार्ड ओल्ड करेंगे, पुराने सारे हटा दीजिए. फर्स्ट मटेरियल में घुसे ID 1, उसमें हम जैसे कोई शाइनिंग वाला कलर डालना चाहते हैं स्टैंडर्ड स्विच में जाके वीरे MTL कर लें. वीरे MTL में डिफ्यूज़ में यहाँ जो कलर आप चाहते हैं डालना, मैं यहाँ पे रेड रेड लेके यहाँ पे शाइनिंग ऐड कर दीजिए. कितना शाइन चाहिए तो पहला फर्स्ट ID मटेरियल बन गया. सेकंड ID में मुझे सेल्फ इल्यूमिनेशन करना है तो सेकंड ID में आके यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विच में जाके वीरे MTL कर ले. यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन का कलर, जिस कलर में इल्यूमिनेशन होना है, पहले मैं येलो किए थे, इसमें लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कलर डाल दिए, थोड़ा डार्क शेड ले ली, ठीक है. बैक किए और जो ऑब्जेक्ट बन गया उसमें असाइन कर दीजिए. हियर वी गो, और मटेरियल हैज रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू यहाँ पे साइज़ ले लें जो साइज़ आपको चाहिए रेंडर आउटपुट.
पिक्सल्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट साइज़ ले रहा हूँ ताकि रेंडर मेरा थोड़ा फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए रेंडर होने के बाद ऐसा दिखेगा, दिख रहा है टॉप एंड बॉटम फेस में जो रेड कलर का मटेरियल वो है, और बीच में इल्यूमिनेशन पार्ट है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन अगर कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, इल्यूमिनेशन में जो मल्टीप्लायर लिखा है मटेरियल के अंदर उसको बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बढ़ा के भी बता देता हूँ। उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको वीरे में बम्प कैसे यूज़ करते हैं। बम्प से क्या होता है, रफ़ मटल बनता है, जैसे टाइल्स हो गया, ब्रिक वॉल्स हो गए, वो रफ़ रहते हैं, वो सरफेस जो उसका फाइन या स्मूथ नहीं होता। इसके लिए आपको दो इमेजेस से काम लेना पड़ेगा, एक जो है बम्प में लगेगा, एक डिफ्यूज़ में लगेगा। तो ये तीनों चीज़ में इमेजेस ही यूज़ होंगे। तो डिफ्यूज़ में जो इमेज लगेगा वो फाइनली रेंडर पे दिखेगा, और बम्प में जो इमेज लगेगा वो इंटरनली प्रोजेक्शंस का काम करेगा, शार्पनेस का काम करेगा। तो डिफ्यूज़ में यहाँ पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं ओपेसिटी मटेरियल। ओपेसिटी मटेरियल रेलिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इंटरसेक्ट वाला मटेरियल, मतलब आपको रेलिंग पार्ट दिखेगा, बाकी इमेज जो है वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए डिफ्यूज़ में जैसे ये शो होने वाला है ब्लैक कलर का रेलिंग या गेट, तो आप अगर मॉडल नहीं बनाना चाहते हैं गेट का तो इमेजेस से भी ये काम ले सकते हैं। अपन इस इमेज को ले लेते हैं। इसमें देखिए ये जो रेलिंग पार्ट है, ये गेट पार्ट है, ये ब्लैक कलर में और बैकग्राउंड वाइट है, और एक इमेज यहाँ पे बाजू में और अवेलेबल है जो कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है, उसको हम बम्प में लगाएंगे। इसको हमने लगा दिया किस पे, डिफ्यूज़ पे। बैक करेंगे गो पैरेंट, फिर डिफ्यूज़ में हमने जो शो होने वाला या फाइनल इमेज में दिखने वाला मटेरियल लगा दिए, और ओपेसिटी में चले, ओपेसिटी में उसका ऑपोजिट ले लिया जिसका बैकग्राउंड ब्लैक और रेलिंग पार्ट वाइट। ये आप फोटोशॉप से कर सकते हैं अगर आपके पास मेन इमेज हो तो। इससे क्या है, हमें रेलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या गेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम एक सिंपल प्लेन में इस इमेज को या इस मटल को लगा देंगे तो अपना ऑब्जेक्ट जो है उसी की तरह काम करेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रेलिंग पार्ट में रेलिंग दिखेगा, बाकी हिस्से में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको असाइन करके अपन रेंडर करके बताते हैं आपको। प्लेन को सिलेक्ट करें और जो ओपेसिटी मटेरियल हमने बनाया उसको असाइन कर दें, और शो मटेरियल मैप इन व्यूपोर्ट ऑप्शन चालू कर दें, और फिर रेंडर ले लें। ये बहुत यूज़फुल मटेरियल, चाहे आप बैल्कनी में रेलिंग दिखाना चाहते हो, स्टेयर केस में दिखाना चाहते हो, गेट बनाना चाहते हो, या विंडो में रेलिंग है, सभी जगह पे आप एज अ रेलिंग यूज़ कर सकते हैं। ये रेंडर करते हैं अपन अभी। यहाँ पे ये ऑफ विद जीआई ऑप्शन रखे ताकि लाइट यहाँ पे आए, नहीं तो जीआई के साथ वो रेंडर नहीं हो पाता। ये देखिए रेलिंग ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे की चीज़ भी दिखाई दे रही है और रेलिंग भी हमें सही नज़र आ रहा है। तो ओपेसिटी मैप का यूज़ करके आप इस तरह का रेलिंग मटेरियल या रेलिंग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आपको इसमें किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है बम्प मटेरियल। बम्प मटेरियल जैसे मैंने पहले बोला कि ब्रिक वॉल हो गया, टाइल्स हो गया, इनमें जो जॉइंट्स होते हैं या इनको छूने से जो रफनेस हमको महसूस होती है, फील करते हैं हम लोग, वैसा इफ़ेक्ट देने के लिए हमें बम्प का यूज़ करना पड़ता है। तो बम्प में भी दो इमेजेस यूज़ होंगे, एक ब्लैक एंड वाइट उसी इमेज का जो हमको फाइनल रेंडर में शो करना है, जैसे टाइल्स है तो टाइल्स का जो कलर है वो, और उसका एक इमेज। तो यहाँ पे मैं पुराना जो रेलिंग पार्ट है उसको रिमूव करके यहाँ पे मैं बम्प में सपोज मुझे टाइल्स बनाना है तो यहाँ पे मैं कोई टाइल्स का इमेज ले लेता हूँ।
ये ब्लू वाली टाइल्स हमें दिखाना है, और उसका ये ब्लैक एंड वाइट भी है अपने पास, मतलब बम्प में वो वाला लग जाएगा। तो इसको ले लिया अपन, यहाँ पे इनको अपेरेंट करेंगे, बम्प में जाएंगे, बम्प में जो है उसी का ब्लैक एंड वाइट इमेज। बम्प में ऐसा एक्चुअली होता है कि जो वाइट पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट होता है बाहर की ओर आता है, और ब्लैक पार्ट जो है वो माइनस में जाता है। तो बम्प का काम ही है कि प्रोजेक्शन करवाना, हल्की प्रोजेक्शन होती है उसमें रफनेस दिखाने के लिए, या डेप्थ जैसे जॉइंट वगैरह हो गए। इसको मैंने लगा दिया, इसको शो करके देखिए, इसके जॉइंट जो है माइनस में है और जो उसका टाइल पार्ट है ब्लू वो बाहर की ओर है। इसमें परसेंटेज होता है, आप इसमें परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 40% मैंने इंटर किया है, 30% डिफ़ॉल्ट रहती है। तो जितना परसेंटेज रखेंगे उतना शार्प होगा। तो जो भी आपको रखना है रखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें और रेंडर करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा बम का इफेक्ट क्या होता है। सेम थिंग आप ब्रिक वॉल, रफ वॉल, या कोई भी रफ टाइप का इफेक्ट, टेक्सचर पेंटिंग हो गया, इन हिस्सों पे आप कर सकते हैं। तो इस मेटल को लगा दें इस पे और रेंडर करके देखें। इसमें यूवी मैपिंग टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि स्पीयर में टाइल जो है वो आप एडजस्ट कर पाओ। यहाँ पे स्पेरिकल शेप लेके लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब आप एडजस्ट कर दीजिए, एंड टाइलिंग आप सेट कर दीजिए। टाइलिंग सेट करने के बाद आपका टाइल पार्टीशन हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आफ्टर रेंडर वो कैसा दिखता है। यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं अपन इसको। रेंडर हो रहा है, देखिए इसमें प्रोजेक्शन हमें क्लियर समझ में आ रहा है जॉइंट्स जो है। तो आप जहाँ यूज़ लगे कि आपको रफनेस या जॉइंट्स वाले जैसे टाइल्स बनाने हो, ब्रिक वॉल बनाने हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। खासकर बम का यूज़ करें जहाँ पे ऐसा इफेक्ट चाहिए, नहीं तो आपका इमेज जो है फ्लैट नज़र आएगा। तो डिफ्यूज़ में हमेशा इमेज लगा के ना करें, बम का यूज़ हमेशा करें। उसके बाद फाइनल रेंडर, फाइनल मटेरियल देख लेते हैं। जो अपना बचा है वो है डिस्प्लेस। बाकी हमने सेल्फ इल्यूमिनेशन देख लिया, बम देख लिया, ओपेसिटी देख लिया। डिस्प्लेस में बम के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, मतलब आप उसको अधिक बाहर निकाल सकते हैं, बम में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेस में भी जो इमेज आप डिफ्यूज़ में दिखाना चाहते हैं वैसा यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि आप स्टोन वॉल बनाना चाहते हो, स्टोन वॉल में क्या होता है कि ज़्यादा रफ रहते हैं या प्रोजेक्ट रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टोन वॉल है, इसका अगर प्रीव्यू दिखाऊँ मैं आपको, इसमें स्टोन जो है वो बाहर निकले हुए रहेंगे, देखिए यहाँ पे। ये सब इफेक्ट के लिए आपको डिस्प्लेस यूज़ करना है, बम्प नहीं करना है, बम्प नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। या अपन अगर इस स्टोन को ले, ये फ्लोरिंग पे यूज़ होता है, अगर ये भी ज़्यादा उभार देना है आपको तो डिस्प्लेस के साथ करना है। तो एक मैप में कहाँ लगा दिया, डिफ्यूज़ में, एक डिफ्यूज़ में लग गया, और एक लगाएंगे डिस्प्लेस में। डिस्प्लेस में उसी का ब्लैक एंड वाइट, सेम मेन इमेज का ब्लैक एंड वाइट। अगर आपको नहीं आता तो आप फोटोशॉप से कर लीजिएगा, थ्री शूट कमांड से एडिट में जाके कर सकते हो फोटोशॉप में। यहाँ पे मैं ले लिया डिस्प्लेस। डिस्प्लेस लेने पे डिस्प्लेस में ध्यान दीजिएगा कि वो 100% रहता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को आपको कम करना है, नहीं तो बहुत ही बाहर निकला हुआ रहेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15, और एक रेंडर लेते हैं। 15 रेंडर पे आपको ही बहुत ज़्यादा निकला हुआ नज़र आएगा, स्टोन्स जो है बाहर समझ में आएगा। तो जितना प्रोजेक्शन करना है उतना आपको उसमें डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रेंडर करके थोड़ा बता देता हूँ कि कितना प्रोजेक्ट हुआ है। ज़्यादा स्पेशल मटेरियल बनाने पे रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट करें। देखिए ये प्रोजेक्शन हो गया, कितना अच्छा ये डिटेलिंग है इसकी। तो डिस्प्लेस आप लोग यूज़ कीजिए, स्टोन वॉल, ज़्यादा प्रोजेक्शन, ओल्ड वॉल,
या काई लगी हुई दीवार, पुरानी दीवार, ये सब इफेक्ट दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और चारों मेटल मैंने बता दिया, डिस्प्लेस, ओपेसिटी, बम्प और सेल्फ इल्यूमिनेशन। तो चारों करके देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।